हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आप सब लोगों को क्रिकेट कीड़ा में एक और बार स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करते हैं केकेआर के बारे में। केकेआर की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उन्होंने रिसेंटली एक मैच तो जीता है, लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि उनका जो प्लेयर है, जो एक मैच विनिंग प्लेयर है, वो आ गए, वो उन्होंने ज्वाइन किया है। और वो जो प्लेयर है वो है जेसन रॉय। केकेआर का जो सोशल मीडिया, तो उन्होंने भी वो हाईलाइट करके वहाँ पर बोला कि स्वागतम जेसन रॉय। तो जेसन रॉय, जैसे हम सब लोगों को पता है कि एक बड़े एग्रेसिव प्लेयर है, एक मैच विनिंग प्लेयर है। मतलब अपने बलबूते पे वो मैच लिटरली जिता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब वो पहली बार आ रहे आईपीएल में, इससे पहले भी वो आईपीएल का हिस्सा हो चुके हैं 2018-19 और 2021 के जो सीजन से। तो ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आईपीएल। लास्ट टाइम वो जो थे वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने खेला है। और तो हाँ जी दोस्तों, तो ये एक छोटी सी अपडेट है विथ रिस्पेक्ट टू जेसन रॉय। और हम सब लोगों को ये भी पता है कि साकिब उल हसन जो केकेआर के जो प्लेयर थे, वो मतलब वो अब खेलेंगे नहीं, मतलब ही विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द आईपीएल। वो पहले आयरलैंड में खेल रहे थे, उसके बाद उसको आना था, बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस वो आ नहीं सके। और हम सबको ये भी पता है कि श्रेयस अय्यर जैसे पूरे आईपीएल से बाहर होंगे। तो मुझे लगता है जेसन रॉय के आने से केकेआर का जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत स्ट्रांग हो गया। और उम्मीद करते हैं जो संडे को जो मैच है, विच इज़ टुमारो अगेंस्ट गुजरात टाइटन्स, उसमें वी माइट बी एबल टू सी हिम इन द प्लेइंग 11। हाँ जी दोस्तों, तो अभी तक की ये छोटी सी खबर थी विथ रिलेटेड टू आईपीएल एंड केकेआर। थैंक यू दोस्तों। यस।